रिफाइंड ऑयल, जीरा, आलू। इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसकी सरफेस जो है ये मतलब थोड़े गोल्डन। हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी, ऐड करेंगे टमाटर, ये दो कटे टमाटर हैं, और टमाटर डाला है तो नमक भी तो डालना ही है ना, तो एक चम्मच नमक, ये हमने एक चम्मच नमक डाल लिया और उसको थोड़ा भूनेंगे। अब हमको इसमें ऐड करना है गाजर, शिमला मिर्च, आप इसमें मटर भी डाल सकते हो। आप अच्छे से मैश कर लीजिए। जब ये थोड़े पकने लग जाए तो इसमें आप मिर्च, पाव भाजी मसाला दो बड़े चम्मच, और कस्तूरी मेथी, में आप नींबू डाल दीजिए थोड़े खट्टेपन के लिए। मैंने इसको थोड़ा मैश कर लिया, आप भी इसको थोड़ा थोड़ा मैश कर लीजिए। अब इस टाइम पे आप जो आपने ये बनाया था इसको बिल्कुल ही मैश कर दीजिएगा, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अब इसको ऐड करिए इसमें, ये मैंने इसको इसमें ऐड कर लिया है जब तक इसका पानी नहीं सूखता। अब इसको तेज फ्लेम में आप पका लीजिए। और इस टाइम पे आप थोड़ा सा नींबू और डाल दीजिए, थोड़ा खटास बहुत अच्छी आएगी। जब इसका पानी थोड़ा सूख जाए और इस कंडेंसी पे आए तो उसमें आप अमूल बटर के पीसेस डाल दें, इससे स्वाद और मस्त आएगा।